करे तेरे उस्तर। अरे यार वो पता है उसको इसलिए कर रहा है कि यार तू करे तो मेरे लिए दोनों खराब हो गए। हाँ हेलो चिंचू। हेलो गाइस, आप गाइस। सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए बेबी के C9 का रिएक्शन। सो बेबी जो है अभी बहुत ही ज्यादा मैसी हो चुकी है, और ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है ना, कहाँ कितने प्यार से एक साबुन की टिकिया गिफ्ट करने से चालू हुई थी, वहां से इतना प्यारा था, और अब क्या साबुन की टिकिया तो गिफ्ट नहीं करी थी उसने यार। टिकी का बॉक्स था तो वो गिफ्ट किया था, और वो वहां से इतना बेकार कर दिया। अभी पता नहीं क्या हो गया, इतना मैस हो गया वैश्यू की वजह से। तो देखेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नाम इसका बेबी है, अभी ये प्रेग्नेंट वेग्नेंट ना हो जाए, बिकॉज बेबी हमको लग रहा है कि बेबी वो एक दूसरे को बेबी बुला रहे हैं, पर एक्चुअल में ये बेबी बच्चे की बात तो नहीं हो रही। पता व्हाट नहीं, डू यू थिंक? हो भी सकता है, देखेंगे क्या होता है। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। बस कर दे यार, आधे घंटे से यही देख रहे हैं हम। तो वैश्य को जो बोले वो मान जाती है। अच्छा, अब इनको बताने भी इनको ही आई है। शराबी इनको क्यों बताने आई है भाई? दे। कान में से धुएं निकलेंगे। ओके सीता, मैं मालूम में वेट चेस्ता। सारे चले गए। रूम में वेट कर रहे हैं। वैशु बड़ी है, वो सुधरी हुई लड़की है। वैशु ये मैं दे ना बस संभे चिना उन्ह बड़ो तेलगु परीक्षा लला आपको क्वेश्चन उठने ये कथा नी तें दी है नी मॉरल ऑफ द स्टोरी। ना कथा नी तें दे स्टूपिड डीटी। बेसमझ ఈ పరిస్థితి వస్తుందని ఆనంద్ చెప్తానే ఉన్నాడు ఇంట్లో మా నాన్న కూడా చెప్పిండు నై సోని ఇంట్లో అహం ఈగో ఇల్లు నాకే నీతులు చెప్తున్నావు అని చెప్పి ప్రేమించినోడు అక్కడితే చేతులంట పెట్టుకొని yes. ఇప్పుడు ఆ నవ్వుతూనో పంటలిప్పి మరీ వాడుకున్నా అంటే విరాజ్తో మొత్తం పడుకున్నావా? इसे कैसे बिलीव नहीं हो रहा, इसने ही तो करवाया सारा। हाँ ये खुश नहीं है पता, ये चाहती नहीं थी हो गए। इसे सोचा था नहीं होगा। एम जया सीधा इंटर पोता मंचिया स्नान चेस कोनी नुफुजे पे मल्ला फ्रेश पीस लगा ऐसे नहीं होता है। आनंद ने पहली चीज कोटा मानन से शादी करेगी। बंगार में आनंद नालागा मौसम चेड़म रात నా కథ నీతే ఎంత తెలుసా? ఎదుటి నీ మోసం చేస్తే ఎట్లా నోట్లో బయటపడవచ్చు, కానీ నిన్ను నువ్వు మోసం చేసుకుంటే కురిసిపోతావు. రేపటి నుంచి ఇంకేం ప్రాబ్లమ్స్ లేవు. ఓయ్ ओए, ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। इसको बोला था रिकॉर्ड करने के लिए। ओ अच्छा, वो जो रो रही थी वो मतलब रिकॉर्ड जैसा वा। नेन इनको वीडियो पंपिस्ता चूसको। अब ये चाहे तो चीजें ठीक कर सकता है। हाँ
ठीक नहीं, आनंद को बचा सकता है ये, आनंद का दोस्त है ना ये। हाँ हैप्पी बर्थडे आनंद, चल भी रहा है। रे ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉందిరా. దేనికి? నా పిల్ల ముందు పెట్టిందిరా. ఎక్కడ? ఇక్కడ. మామ వర్షం పడేలా ఉంది, పద ఇంటికి పోదాం. పద రాని రారా? పర్లేదు, నీ బర్త్డే కోసం నేను గిఫ్ట్ అరేంజ్ చేశాను. పద. ఏంది? బస్తీలో సరైన ఫిగర్ వచ్చింది, గంటకి 1000 రూపాయలు. వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేస్తాం. పద. మెంటల్గా దుబ్బిందారా? నిజంగా చెప్తున్నాను రా. పద. మామా నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నారా? అది తెలుస్తుందా ఏంటి? మనందరి మధ్యలోనే ఉంటుంది, ఎవరికి తెలియదు రా. పద. నాకు తెలుస్తుంది, ఇక్కడ తెలుస్తుంది. అరే యార్ వో పదే ఉస్కో ఇస్లే కర్ రహా కి యార్ తూ కరే తో మేరే లియే దోనో ఖరాబ్ హో గయే. వయసు కూడా ఎవరితో అయినా ఇలాంటి తప్పు చేస్తే క్యా బతా ఉస్కో టెస్ట్ కర్ రహా హూ. తట్టుకోగలుగుతున్నారా? షీ మేడ్ ద సేమ్ మిస్టేక్. బోల్ దియా. కాలేజ్ లో ఎవరితో పడుకుంది? అరే నువ్వు నన్ను 100 సార్లు కొట్టా, నేను ఇదే మాట అంటారు. అది నేను ఎర్రో చేశాను, ఎవరితో పడుకుంది? ఏం మాట్లాడుతున్నారా? అరే ఇంకొక మాట వైష్ణవి గురించి మాట్లాడితే చంపేస్తా. ఫ్రెండ్ అని కూడా చూడను. खत्म आनंद तो खत्म। ओ भाई मेरे से नहीं देखा जाएगा सही में। गूज़ बम्स आ रहे। अरे नहीं जब कारण चपरा Not. చెప్పురా హర్ష, మాట్లాడరా, నిజం కాదని చెప్పురా. టఫ్ క్యూ బనాయి ఈ మూవీ యార్. हालत देखो, अटैक अटैक ना आ जाए उसको। हर्षा ना कितना गलत सुन रहा है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा इस टाइम पे। रे వైషు నా పిల్ల 10th క్లాస్ నుంచి ప్రేమిస్తారా? డోంట్ ప్లే దట్ మ్యూజిక్. చచ్చిపోతారా? నేను చచ్చిపోతారా? మాట్లాడుతున్నా రే. చ
ఇంటి వెళ్దాం బదరా. రే అది నీకేరా చెప్పేది? नहीं किल हर. ये सीधा पहुंच भी गया. मार नहीं पाएगा मेरे को लगता. पहले से बात तो करे यार. खुद को भी ना मारे उसको भी ना मारे. उसको देख के वो कैसा हो जाता है यार. अरे यार इतनी अभी भी को कैरी कर रहा है. फैसिनेशन कितनी है इसको बंदे को. नहीं 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 उसको नहीं हाथ लगा सकता. वो कहा ना मैं वो नहीं कर सकता हूँ. यार ये म्यूजिक मेरा हार्ट ब्रेक करता है बिकॉज स्टार्टिंग में ये इनके प्यार का म्यूजिक था. प्यार का म्यूजिक है. हाँ ये सीन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते बिकॉज इतना पेनफुल सीन था ना ये जिस तरीके से वो बताया गया. और वही चीज जो हम बात करते हैं वही जब आनंद ने बोली ना कि यार मैंने खुद अपने हाथों से वो साड़ी प्रेस की थी तेरे लेके आया था और तू वो उसी साड़ी में फिर किसी और लड़के के पास गई और वो मैं ही छोड़ के आया. तो लाइक वो इतनी दुखद बात थी. एंड वो कैसे वो मारने के उससे गया था लेकिन उसके सामने जैसे ही गया वो कह रहा है मैं नहीं मार सकता तेरे को और लाइक तेरे को मैंने बचपन से प्यार ही किया है और तू हमेशा मेरी रही है मैं मार नहीं सकता तेरे को कभी भी. एंड वो फिर वहीं पे रुक गया यार. वो चीज़ दिल तोड़ देती है. मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी. मेरी तो आँखें भर आई थी.
मतलब बेचारा कैसे सिसक सिसक के बोल रहा था, और वो अपने फ्रेंड से मतलब कितना, और एक्टिंग की बात करें तो यार क्या एक्टिंग की है उन्होंने, आनंद देवकोंडा ना, हाँ उन्होंने क्या एक्टिंग की है, मतलब इतना रियल और बिल्कुल रो रहा है, और लिटरली मैंने देखा उन्होंने नाक वाक बह रहा है, मतलब पूरा ओरिजिनल। और पता है वो जैसे आए ना और वो ऐसे लेटी हुई थी, मैं एक बार को सोच रही थी कि इन्होंने ये ऐसे क्यों उसको ऐसे रखा है, मतलब अगर दिखाना चाहते वो लोग तो वो सीधी मतलब ऐसे सोई हुई वैसे भी, मतलब जैसे नेचुरल बंदा सोता है, और उसमें भी दिखाया कि वो नी के वहां से उसका पजामा नीचे कर रहे हैं, उसकी चादर ठीक कर रहे हैं, उसको स्टिल लग रहा है कि यार नहीं तू मेरी है उसको। और वो अपने फ्रेंड को पूछ रहे थे कि यार मेरे आंसू क्यों नहीं आ रहे, और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूं। एंड जब वो वायलिन में वो बजता था ना 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 ना, वो सब याद आ जाता है, ऐसे ऐसे दिल उड़ जाता था पूरा का पूरा, क्योंकि वो ट्यून सिर्फ इनको हंसते हुए प्यार में देखी है, पर जब वही इनके उदास टाइम में बजती है ना तो बहुत ज्यादा होता है। एंड लाइक और लाइक वो रियलाइजेशन वाला सीन जो था ना वो बहुत लाइक क्या, उसमें मैं कहना चाहूंगा आनंद देवरकोंडा की कमाल की एक्टिंग थी, बिकॉज जैसे वो एक्ट कर रहे थे ना कि लाइक सांस नहीं आ रही, वो गए बिल्कुल पूरा एकदम रियल, बिल्कुल रियल लग रहा था, एक्चुअल रियल, बिकॉज वो लॉस्ट फॉर वर्ड्स, लॉस्ट फॉर एवरीथिंग। एंड पहले उन्होंने अपने दोस्त को मारा भी कि तेरी हिम्मत कैसे वैश्य के बारे में ऐसे बात करने की, लेकिन उसके बाद जब पता लगा तो ही वॉज लाइक समझ नहीं पा रहे क्या करे कैसे करे, और वो कुछ भी कर रहे थे, पता नहीं आगे के अभी जो सीन्स बाकी है उसमें क्या होगा पता नहीं। तो आप लोगों को कैसे लगा भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, तो ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते और सब्सक्राइब करिए। बाय।